हमारा अधिकार पार्टी अपने मुद्दों के लिए राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, महिला सुरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। इसी कड़ी में हम पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत देश में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आज राघवेंद्र सिंह एडवोकेट जो इनके साथ में सैकड़ों हिंदूवादी नेता आज हमारे साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं और राघवेंद्र सिंह एडवोकेट को हमने लीगल सेल आगरा का जिलाध्यक्ष बनाया है। इस मौके पर हम राघवेंद्र सिंह जी का स्वागत करते हैं और पार्टी में इनको सम्मान देते हैं कि इनको हमने जिलाध्यक्ष यू विंग का बनाया है लीगल सेल का। समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन करती रही है अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ और हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और कोई चुनाव ऐसा नहीं है 2016 में जब पार्टी रजिस्टर्ड हुई है उसके बाद से कि हमने नहीं लड़ा हो। हम सारे चुनाव लड़ते आए हैं और अब आने वाले चुनाव के लिए हम 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा नाम सुमोद कुमार पचौरी, मैं माननीय अध्यक्ष जी ने आगरा महानगर का अध्यक्ष बनाया है और मैंने बहुत चीज़ों की कार्यकारिणी गठित की है, लेकिन आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी समान अधिकार पार्टी के धीरे धीरे परिवार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे बीच में श्री राघवेंद्र जी एडवोकेट, इनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मुझे विश्वास है ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज हमारे समान अधिकार पार्टी के सदस्य बने हैं, परिवार से जुड़े हैं। माननीय श्री कुलदीप शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे पूरे ज़िले की सौंपी है। जैसे कि लीगल सेल लीगल टीम के बिना संविधान से जुड़े हुए मुद्दों का उचित समाधान संभव नहीं है, उसको देखते हुए लीगल विंग का मजबूत होना पार्टी के लिए अत्यधिक आवश्यक है और मैं पूरी निष्ठा के साथ जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है अध्यक्ष जी द्वारा उसका मैं निर्वहन करूंगा। जैसा कि आज अभी प्रेस वार्ता में आप लोग देख रहे हैं कि एडवोकेट राघवेंद्र जी को विधि प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आप सबको मालूम है कि पार्टी के अंदर विधि प्रकोष्ठ का होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पार्टी को समय समय पर आवश्यकता पड़ती रहती है, जिसका अभी पार्टी को आगे चल के राघवेंद्र जी के रूप में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। समान अधिकार पार्टी में वकील साहब का, राघवेंद्र जी का, जो यहाँ पे आए हैं और उनको एक पदभार दिया गया है उसकी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इस जिम्मेदारी में विशेष चीज़ जो आज की स्थिति में चल रही है, जो आप कांड देख रहे हैं, श्रद्धा कांड हुआ और महिलाओं के कांड हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे कांड हो रहे हैं, उस कांड में ऐसी व्यवस्था में किसी के साथ कोई वकील नहीं है, कोई विधिक व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को हमारी पार्टी बिल्कुल मुखर करके आगे बढ़ेगी, उन लोगों में सहयोग करेगी और उसमें हमारे वकील साहब और बाकी व्यवस्थाओं को साथ दे करके उनका सहयोग करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। हमारा विशेष मोटिव यह है कि हमें किसी न किसी तरह से महिलाओं के सुरक्षा की, उनकी संरक्षण के लिए आगे बढ़ना है।